इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी डिजीज यानी आर डी एक पुरानी यानी की दीर्घकालिक स्थिति है जिसमें पेट में एसिड का अधिक उत्पादन होता है विनपैन डीएसआर कैप्सूल आपके पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है और नाराजगी और एसिड रिफ्लक्स से जुड़े दर्द से राहत देता है आपको इसे ठीक वैसे ही लेना चाहिए जैसा इसके प्रभावी होने के लिए निर्धारित किया गया है जीवनशैली में कुछ साधारण बदलाव जीईआरडी के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं इस बारे में सोचें कि कौन से खाद्य पदार्थ नाराजगी पैदा करते हैं और उनसे बचने की कोशिश करें छोटे अधिक बार भोजन करें यदि आप अधिक वज़न वाले हैं तो वज़न कम करने का प्रयास करें और आराम करने के तरीके खोजने का प्रयास करें सोने के तीन चार घंटे के अंदर कुछ न खाएं अपने चिकित्सक द्वारा सलाह के अनुसार इसका प्रयोग करें या उपयोग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जांच करें विनपैन डीएसआर कैप्सूल को खाली पेट लेना है विनपैन डीएसआर कैप्सूल दो दवाओं का एक मिश्रण है डोम्पेरिडोन और पैंटोप्रेजोल डोम्परिडोन एक प्रोकाइनेटिक है जो पेट और आंतों की गति को बढ़ाने के लिए ऊपरी पाचन तंत्र पर काम करता है जिससे भोजन पेट के माध्यम से अधिक आसानी से आगे बढ़ता है पैंटोप्राजोल एक प्रोटॉन पंप अवरोधक यानी कि पीपीआई है जो पेट में एसिड की मात्रा को कम करके काम करता है जो एसिड से संबंधित अपच और नाराज़गी से राहत दिलाने में मदद करता है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद